सभी भाइयों को नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल सनसनीवाल डेयरी फार्म पे। आज एक छोटा सा वीडियो आप भाइयों के लिए लेके आ रहे हैं। एक बैल सामने आप देख पा रहे हैं, बहुत ही शानदार, हमारे हरियाणा के जो किसान भाई हैं उनकी एक किस्म से रोजी रोटी का जो साधन होता था, आजकल जब ट्रैक्टर चलने लगे हैं तो इनकी इज्जत बहुत भाइयों ने, कुछ भाइयों ने संभाल के रखा है इनको। बहुत सारे जो बैल हैं रोड पे, बड़े बड़े बैल भी आपको दिखेंगे बहुत कमजोर कमजोर रोड पे घूमते हुए। भिवानी रोहिला से ये वीडियो लेके आ रहे हैं, हिमांशु डेयरी फार्म से। ये देखिए सामने बहुत सारी भैंसे भी भाई के पास खड़ी हैं। इन भैंसों का वीडियो हमने शूट किया तो एक शानदार बैल हमें देखने को मिला। पूछेंगे भाई साहब से, डिटेल से जानकारी लेंगे इसके बारे में। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, आजकल तो सारा काम ट्रैक्टर से होने लगा, तो बैल आपने अभी भी रखा है, उसका क्या कारण है? कारण इसका शौक है भाई, और शौक क्या है, हमारे किसानों की संस्कृति है भाई साहब ये। ठीक है जी, ये तो हमें जरूरी है, तो हम तो लालच में आ गए, लालच में डूब गए। ठीक बात है जी, क्यों इनको रख के कोई राजी नहीं है, अगर हमने इनको छोड़ दिया तो ये मानो किसान भी पीछे चला गया है। बिल्कुल सही बात है, कुछ नहीं बचा किसान के पास, जो भी होता है ट्रैक्टर वालों को दे दिया, कंपनी वालों को दे दिया, नया पुराना होता रहता है। सही बात, नहीं बचता कुछ, कुछ नहीं बच रहा है किसान को। डीजल का रेट 100 रुपए के आसपास है, और अगर बैल किसान भाई के पास हो तो उसकी डीजल के ऊपर निर्भरता कम हो जाएगी। मैं एक बार क्वालिटी दिखाना चाहूंगा, मेरे ख्याल से लगभग अगर इसके जो थुआ है उसकी बात करें, जो ये ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, लगभग 6 फीट के आसपास हाइट जरूर होगी, 6 फीट पूरी ना होगी तो उसके आसपास जरूर लगता होगा। देखिए बहुत ही शानदार बैल, और जब इनकी जोड़ी चलती थी जमीन को जोतने के लिए तो किसान भाई के यहाँ मैं कहूँगा अनाज की भरपूर पैदावार होती थी। जब से किसान ने बैलों को छोड़ा है तो ट्रैक्टर भी लगभग मैं कहूँगा जमीन की जो जोताई है वो ऊपर की केवल 2 इंच की जो लेयर है वही ट्रैक्टर से जोत पाते हैं, लेकिन जब हम बैलों से जोतते थे लगभग 6 इंच 7 इंच 8 इंच तक जो है नीचे जमीन की जोताई होती थी। आज जो खेतों में आप देख पाते हैं एक बारिश होने के बाद भी पानी खड़ा हो जाता है, उसका कारण ये कि ट्रैक्टर से हमने अपनी जमीन जो है वो खराब कर दी है। तो भाई साहब ये कितने साल से आपके पास है? ये भाई साहब सुरेंद्र, मैंने खरीदा था सारे मेला, मतलब फागण का महीना 2011 में तीसरे महीने की 6 तारीख को। अच्छा, पूरा डेट याद है आपको? पूरा डेट याद है, अपने आदमपुर में गाँव है चिंदड़ गाँव के किसान से, उनसे लिया था छोटा बच्चा मैंने 2.5 साल का। ठीक है जी, 12,500 रुपए का। 12,500 का। तो भाई साहब जब मान के चलो आज लगभग उम्र कितनी होगी? फिर उम्र हो गई भाई साहब इसकी मान के चलो 13-13.5 साल। 13-13.5। हाँ। तो कभी बेचने का विचार आपने नहीं किया? विचार नहीं किया भाई साहब, पैसे भी तब मैं ले गया था बहुत मिल रहा था मेरे को, 40,000 रुपए मिल रहे थे भाई, पंजाब वाले देते हैं, पर हमने ये शरीफ सुधा करके मैं इसको बेचते ही नहीं, और इसको अगर आज कोई भाई ये कहे 2 करोड़ रुपए तो हमारे कोई काम नहीं है। 2 करोड़ का भी नहीं बेचोगे? 5 करोड़ का भी नहीं सुरेंद्र भाई। अच्छा। हाँ, ये तो शान हमारे घर की, इतनी हमारी भैंसों की नहीं मानते हमारे, आप जैसे भाई आते सैल्यूट करते, वाह भाई साहब क्या बैल रखे आपने। अच्छा। हाँ, तो भाई साहब तो अभी तो एक ही रखा है, तो यह हरा चारा लाते हो इससे? हरा चारा भी लाते हैं, जुताई भी करते हैं, अपना खेत का पड़ोसी है उसी के पास में कोई है इससे छोटा, पर इसके साथ में चलता है। अच्छा, अब जैसे कि अपने देसी भाषा में बोलते हैं डंगोसरा कर रखा है। हाँ, डंगोसरा करें भाई। हाँ, एक दूसरे पड़ोसी भाई के पास है वो बैल, आप जोत लेते हैं, उनको जरूरत होती है तो ये जोत लेते हैं। ठीक है ठीक है। तो भाई इसको कभी आपने अभी दाने में क्या दे रहे हो, क्या दे रहे हो खाने के लिए? दाने में जो मेरी सुरेंद्र भाई 20 लीटर वाली भैंस खाती है उससे पहले वही दाना इसको डालता हूँ मैं। ठीक है, कितना दाना खा लेता होगा? स्वार्थ के लिए नहीं रखा हमने, शौक में रखा, बाने के लिए रखा है, हमारी पहचान बना रखी इसने। ठीक है ठीक है ठीक है। दाना दाना सुरेंद्र भाई ये बच्चे जैसा, अगर पूरी डिटेल दूंगा आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी। अच्छा, हर 4 दिन इसका दाना पलटी करता हूँ मैं। अच्छा, एक दिन मेथी का आटा खाएगा, एक दिन कड़क का खाएगा, फिर बाजरे का खाता, फिर कोई चूरी खाता, बिंदोड़ा खाता, हर 4 दिन इसकी डाइट बदलता हूँ मैं, अपने आप छोड़ देता हर 4 दिन। बच्चे की तरह रखा है? बच्चे की तरह रखते हैं भाई साहब। घी भी देते हो? घी देते हैं इसको, जब ये हल में चलता है उस टाइम। अच्छा, घी देते हैं, घी भी देते हैं। अच्छा, हल में चलता है तो ही देते हो? हाँ। तो बेचने का तो विचार है ही नहीं, मोबाइल नंबर इस वीडियो में देने की जरूरत भी नहीं है? नहीं भाई साहब, बेचते नहीं, किसी कीमत पे नहीं बेचते भाई साहब। ठीक है ठीक है। ये देखिए शानदार बैल आज हमें भाई के पास देखने को मिला। भाई साहब की हाइट मैं कहूंगा लगभग 6 फीट की है, अगर इनको इस जो है 6 फुट से थोड़ी कम भी अगर होगी आपकी 1-2 इंच तो नजदीक आओगे तो इनका इसका जो थुआ है वो ऊपर जाएगा इससे। तो ये हमारे बैल, ये देखिए थोड़ा भाई से, हाँ भाई आपको दिखा देता, मेरे से ऊंचा होगा, भाई साहब से डर रहा है, ये बड़े भाई जो है इनके वही संभालते हैं, पीछे देखिए उक्का भरे बैठे हैं, यही संभालते हैं इसको बैल को।
तो ठीक है भाई, कैसा लगा बैल? एक नया वीडियो इनके पशुओं का जो भैंसों का आएगा वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, दो चार दिन के बाद वो वीडियो आप देख पाएंगे। बैल के बारे में जरूर कमेंट्स करके बताना। वीडियो मैं चाहूंगा जितने भी भाई देखे सारे के सारे भाई इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको कैसा लगा बैल। और अगर आपको डीजल से निर्भरता कम करनी है तो हमें अपने बैलों की तरफ दोबारा जाना पड़ेगा। एक एक दो दो बैल जो किसान भाई हैं, जो किसान के बेटे हैं, उनको चाहिए कि वह दोबारा से जुताई सीखें और जो पुराने अपने हल हैं उनको धार लगा के तेज करके और खेत में इनसे काम लें, ताकि हमारी निर्भरता कम हो डीजल से और एक प्रदूषण भी ना हो, और साथ ही एक बचत का जरिया भी है कि बैल आप रखोगे आपको आपके घर में इससे वादा होगा, हमारे बुजुर्ग यही कहते थे, आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। ठीक है भाई, सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ले चलो जी अंदर, कमेंट्स करके जरूर बताना कैसे लगा। किसी भाई ने वीडियो लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक ठोक दें, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं हमारे पेज को लाइक कर लें। सभी भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार।